हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शाम का वक्त था, पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं हुआ था। शहर के बाहर बनी पुरानी कॉलोनी से एक डिलीवरी बॉय बड़ी तेजी से अपनी साइकिल से गुजर रहा था। तभी एक घर के बाहर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, जो किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। फूड डिलीवरी बॉय वहां रुका और देखने लगा कि आखिर ये कौन बच्चा है जो इतनी जोर से रो रहा है। डिलीवरी बॉय ने देखा कि एक तरफ बने एक पुराने मकान से उस बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। उसने जब बाहर से झांक कर देखा तो घर के दरवाजे पर उसे एक छोटी बच्ची नजर आई। वो बच्ची लगातार रो रही थी और उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसने देखा उस घर में उसे कहीं कोई नजर नहीं आया, बल्कि आसपास के घर भी बिल्कुल खाली और अंधेरे में डूबे हुए थे। उसे हैरानी हुई और उसने सोचा कि बच्ची जरूर किसी मुसीबत में है, और वो डिलीवरी बॉय बच्चे की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर गया, वो बच्ची घर के भीतर भागी। डिलीवरी बॉय थोड़ा चौंक गया और डरते हुए घर के अंदर जाने लगा। वो जैसे ही घर के भीतर गया, घर का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। अगले दिन दो दोस्त राघव और जॉय एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उनका तीसरा दोस्त रिक्की भागता हुआ बाहर से आया और न्यूज़पेपर दिखाता हुआ बोला, ये देख, उस घर के बाहर से एक आदमी आज फिर गायब हुआ है। बाकी दोनों ने देखा तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि डिलीवरी बॉय अपने घर पर नहीं पहुंचा। उसके परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने ढूंढा तो उसकी साइकिल और सारा सामान उसी पुरानी घर के बाहर मिला, लेकिन उस आदमी का कहीं कोई पता नहीं था। डिलीवरी बॉय की वारदात पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वे उस घर में जाकर देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उस घर के आसपास लोगों के गायब होने की खबर आने लगी थी। उसके बाद बहुत से लोग कॉलोनी छोड़कर चले गए, क्योंकि सबका मानना था उस घर में आत्माओं का बसेरा है। अपनी प्लानिंग करने के बाद ये तीनों शाम से पहले ही उस घर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां एक पुलिस वाला था जो गश्त लगाए था। उसने इन तीनों को यहां से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि इस जगह पर खतरा था। उस वक्त वे तीनों वहां से चले गए, लेकिन राघव ने कहा, हम यहीं आसपास नजर रखेंगे और जैसे ही पुलिस इधर उधर होगी हम घर में घुस जाएंगे। अगर इस घर की मिस्ट्री का पता चल गया तो हम तीनों का बहुत बड़ा नाम होगा। हाँ, वैसे भी अभी तक हमारे हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे हम फेमस हो पाते। इस कॉलोनी में जो कुछ वारदातें हो रही है, इसकी मिस्ट्री हम सुलझाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक झटके में हम तीनों फेमस हो जाएंगे। तीनों वहीं इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद ही जब वो पुलिस वाला वॉशरूम के लिए कोने में गया, वे तीनों पुलिस से छुपते छुपाते उस घर में पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे उन्हें डर लगे, और जॉय ने कहा, रिकी, तू ऐसे ही बेमतलब की चीजों को इतना तुल दे रहा है। इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं है। आज की रात हम तीनों यहीं रुकेंगे और क्या सच्चाई है ये मालूम करके रहेंगे। शाम तक जो घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, अंधेरा होने पर वो बड़ा ही भयानक और मनहूस लग रहा था। उस घर में बिजली भी नहीं थी, मगर ये तीनों पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके साथ लाए गए टॉर्च लाइट जलाकर और कहीं कहीं मोमबत्ती जलाकर तीनों ही बीच हॉल में बैठ चुके थे। बैठे बैठे काफी वक्त गुजर गया। इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ रुकना टाइम वेस्ट है यार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर यहाँ आए हैं तो इस तरीके से नहीं जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ आज की रात गुजारेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करके हम अपना नाम कमा सकते हैं। राघव के प्लान पर बाकी दोनों सहमत नजर आ रहे थे। इतने में उन लोगों को किचन से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर तीनों ही थम गए। राघव, जॉय और रिक्की एक साथ उठकर खड़े हुए। वे धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगे। जब उन्होंने किचन में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि किचन में तरह तरह का सामान भरा हुआ था और बहुत सारा खाना भी बना हुआ था। राघव ने खाने के एक बर्तन को हाथ में लिया और बोला, ये सब कुछ तो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे अभी अभी बना हो, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। राघव के हाथ में पड़े पड़े ही वह खाना धीरे धीरे सड़ने लगा और उन खानों में कीड़े नजर आने लगे। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी खाने सड़ गए और वहां बदबू फैलने लगी। वे तीनों अपना नाक बंद कर अभी किचन में खड़े ही थे कि बाहर टीवी के चलने की आवाज सुनाई थी। जॉय ने कहा, जब लाइट ही नहीं है तो टीवी कैसे चल सकता है। वे तीनों वापस हॉल की तरफ आए।
हॉल में आए तो देखा कि वाकई में टीवी चल रहा था और टीवी के सामने एक कुर्सी थी जो हिल रही थी। राघव और जॉय ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों की आंखों में डर नजर आ रहा था। राघव ने डरते हुए पूछा, कौन है यहाँ? राघव के पूछते ही टीवी एकदम से बंद हुआ और आवाज के साथ टीवी ब्लास्ट हो गया। राघव और जॉय दोनों ही चिल्ला पड़े। सब कुछ शांत होने के बाद उन्होंने देखा उनके साथ रिक्की नहीं था। राघव ने हैरानी से चारों तरफ देखकर रिक्की को आवाज लगाई, रिक्की, रिक्की, तुम कहाँ हो? लेकिन उसका कोई आवाज नहीं आया। राघव ने जॉय से कहा, एक काम करते हैं, तुम रिक्की को नीचे ढूंढो और मैं उसे ऊपर की तरफ जाकर देखता हूँ। जॉय को डर तो लग रहा था लेकिन उसे रिक्की को ढूंढना था तो राघव से अलग होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों ने एक एक टॉर्च ले ली और अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। राघव एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर बढ़ रहा था। आज बहुत बुरे फंस गए यार, और फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करता कि घोस्ट हंटर बने हैं, इन सब चीजों से डरने से काम नहीं चलेगा। राघव जैसे ही ऊपर गया उसने देखा सामने वाला कमरा खुला था और उस कमरे में रोशनी आ रही थी, साथ ही साथ उस कमरे में वैसे ही गुनगुनाने की आवाज आ रही थी जैसे थोड़ी देर पहले किचन से आ रही थी। राघव डरते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था। राघव जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पर गया उसने देखा पूरा कमरा खिलौने से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई 7-8 साल के बच्चे का कमरा है। वहां जमीन पर कलर्स बिखरे हुए थे, कलर पेंटिंग हुई कई सारी कागज थी जिन पर बहुत अलग अलग चित्र बने हुए थे। दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी बच्चे ने ये पेंटिंग बनाया है। वो पेंटिंग बहुत ही भयानक थे, किसी में आधा फटा हुआ सर था, किसी में सर कटी लाश थी, किसी में सिर्फ यूं ही लाल रंग के पेंट से खून के ड्रॉप्स बने हुए थे। राघव की नजर एक पेंटिंग पर जाकर थम गई। पेंटिंग में एक कांच की बोतल थी, बोतल में एक आदमी को बंद दिखाया था जो उस बोतल से निकलने की कोशिश कर रहा था। राघव उस पेंटिंग को देख ही रहा था तो उसे लगा जैसे उसके पीछे से कोई गया हो। राघव ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा कमरे में अंधेरा छा गया और नीचे से जॉय के चीखने की आवाज आई। राघव नीचे की तरफ भागा। नीचे आकर उसने देखा हॉल में जहां ये लोग खाना खा रहे थे वहां बैठकर रिक्की बड़े आराम से खाना खा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर राघव के कदम जहां थे वहीं थम गए और उसने देखा जॉय कहीं नहीं था। राघव ने गुस्से से पूछा, ये क्या मजाक है? तुम कहां थे और जॉय कहां है? लेकिन रिक्की ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खाना खाता रहा। अंत में राघव ने रिक्की का कंधा जोर से हिलाते हुए पूछा तो रिक्की ने राघव की तरफ लटकर देखा। रिक्की को देखते ही राघव पीछे हटा और पीछे खिसकने लगा क्योंकि रिक्की की आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसके सर से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई सफेद रंग चढ़ा दिया गया हो। इसका साफ मतलब था कि रिक्की तो था लेकिन अब जिंदा नहीं था। आपको क्या लगता है, क्या राघव और जॉय सही सलामत वहां से वापस आएंगे? आखिर क्या है उस घर और पेंटिंग का राज? अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक याद रखें, डरना जरूरी है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।